हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर बाई राशि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक डिफरेंट स्टाइल बैंगन, जिसके लिए मैंने ये बैंगन लिए हैं। पांच बैंगन है, ये छोटे छोटे बैंगन है, और उसके लिए मैंने पांच टमाटर काटे हैं, छोटे वाले लाल, और दो मीडियम साइज प्याज, दो उबले हुए आलू जिन्हें मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, कसा हुआ अदरक, थोड़ा सा कटा हुआ गार्लिक और कुछ साबुत गार्लिक की कलियां, और एक जो अचार वाली हरी मिर्च होती है बड़ी, उसको मैंने लंबे लंबे स्लाइस में काटा है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अब बनाते हैं। देखिए, मैंने हांडी रख दी है और हांडी में 2 बड़े चमचे तेल डाल दिया था जो गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने सब बैगनों को ऐसे 4 पीस में कट लगा दिया है, और इनको मैं फ्राई कर लूंगी। इनको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। देखिए, 2 से 3 मिनट लगे हैं और बैंगन हमारे भुन चुके हैं। इन्हें हम तेल से निकाल लेंगे। ये 2 मिनट में ही अच्छे से रेडी हो जाते हैं भुनकर। देखिए, बैंगन हमारे भुन चुके हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और तेल थोड़ा कम करेंगे। मैंने इसमें से तेल निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 1 लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और 2 पिंच हींग। जीरा हमारा तड़क रहा है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ क्रश करी हुई लहसुन और कुछ साबुत लहसुन की कलियां, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, ये सभी हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने लाल जो मैंने मिर्च काटी थी वो भी डाल दी और उसको भी भून लिया है। मसाला सारा भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने प्याज काट के रखा था, बारीक बारीक चॉप प्याज, उसे हम इसमें डाल देंगे और इसको भी ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। जो मैंने लाल मिर्च अचार वाली लंबी लंबी काटी थी वो मैं आपको इसमें डाला था तो दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन वो भी इसमें अच्छे से भून चुकी हैं। देखिए, इस तरीके की भून चुकी हैं। प्याज भी हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, बस इतना ही हमें भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और इसमें डालेंगे अब कुछ मसाले, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये छोटी चम्मच है। और जब टमाटर डाले हैं तो नमक डालना तो बनता है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डाल दूंगी 1/2 चम्मच, और अब इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे टमाटरों को। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। मसाले अच्छे से भुने उसके लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, और इसे ढक के रख देंगे। देखिए, मसाला भुन चुका है हमारा और इसने घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बॉयल आलू को काटा था, इनको हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही चलाएंगे जिससे मसाला इनमें अच्छे से रम जाए। और इसमें हम डालेंगे ये बैंगन जिन्हें हमने फ्राई किया था, और इसको थोड़ी देर ढककर पकाएंगे जिससे मसालों के अंदर जो कटा हुआ है उसके अंदर सारा मसाला भर जाए। अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और 1/2 चम्मच मेरा होममेड गरम मसाला, और थोड़ी सी डालूंगी मैं कटी हुई धनिया की पत्तियाँ। फ्रेंड्स, देखिए सब्जी बनके तैयार है। फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से सब्जी बनाइए, खाइए, देखिए कितनी स्वादिष्ट और कितनी जल्दी बनने वाली सब्जी है, और टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा, और मेरे चैनल फ्लेवर राई राशि को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना सहयोग ऐसे ही देते रहिए। राधे राधे जी, धन्यवाद, और ऐसी रेसिपी मैं आपके लिए और लाती रहूँगी। धन्यवाद, राधे राधे।